नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस छोटी सी बगिया में। आज मेरे गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स खिले हैं और मेरे गार्डन के जितने प्लांट्स हैं वो किस तरह से हैं इतनी तेज़ गर्मी में, उनकी सारी कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरी जो सेवा है उससे मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत खिल रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये देखिए पॉर्चुला का जो हैंगिंग में टांग रखा है बहुत सुंदर हैं और दिन पे दिन ये खूब घने होते जा रहे हैं। इनके जो कलर हैं ये डबल पेटल वाले, मतलब घने घने इनकी पत्तियां हैं, और सिंगल पेटल के भी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए धीरे धीरे ये पूरी बास्केट भर ले रहे हैं। सॉरी पर मेरा हाथ शायद उल्टा हो गया था तो ये कैमरा पलट गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना फ़ोन थोड़ा सा घुमा लीजिए। इस तरह से मैंने भी घुमा लिया है और उल्टा ना देखिए, सीधा सीधा देखिए, पता नहीं कैसे हो गया मेरा, मुझे पता नहीं चला। आज अब जब वीडियो देख रही हूँ तो लग रहा है कि मैंने ये क्या किया, पर चलिए कोई बात नहीं, हमें तो इनकी ब्यूटी देखना है, कैमरे को तो हम उल्टा कर सकते हैं। तो देखिए इतने सुंदर फ्लावर्स हैं, इनके जो कलर हैं बहुत प्यारे हैं, और ये मैं 20-20 रुपये का एक पैकेट लेकर आई थी नर्सरी से, वही सारे हैं, दो दो कलर लेकर आई थी मैं। और इनकी कटिंग भी मैंने लगा ली है और इनके सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। जो सूखे जो फ्लावर होते हैं जब वो सूख जाते हैं तो उनके पीछे जो पार्ट बचता है उसी को आप अगर हाथ से रगड़ लें तो उसमें से बहुत नन्हे नन्हे से सीड्स निकलते हैं, जो मैंने अपने जो खाली बास्केट हैं उसमें मैंने टांग दिया, मतलब डाल दिए हैं, लगा दिए हैं। अभी शायद कुछ दिन में उसमें से नए नए प्लांट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन में बहुत खूबसूरत है। ये मेरे विंका का है प्लांट, है हाइब्रिड विंका का है और ये देसी वैरायटी का है, और इसमें भी इस समय बहुत अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है। जो कलर है बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है। और इधर मेरे सारे मनी प्लांट और गुलदावरियाँ सेव करके रखी। मेरा करी पत्ते का प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। और ये देखिए कटिंग मैंने लगाई थी इसकी पॉर्च इलाका की। और ये टर्टल वाइन जो मैं नर्सरी से थोड़ी सी मांग के लेकर आई थी, उन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ ली है। और जो मोगरा का जो प्लांट मैंने आपको रिपॉटिंग करके दिखाया था वो भी अच्छे से चल रहे हैं, कलियाँ उनमें बन रही हैं, फ्लावरिंग भी समय समय पर वो करता रहता है। इधर सारे मेरे शेड में प्लांट रखे हुए हैं, गुलदावरियाँ हैं और मनी प्लांट्स सारे रखे हुए हैं। और ये देखिए मैंने जो शकरकंद से जो वो अपनी वाइन बनाई थी, मतलब उगाई थी वो है, और इसकी इतनी काफ़ी नीचे नीचे तक पत्तियां आ रही हैं, इसकी ब्रांच बहुत नीचे नीचे तक लटक रही हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती है। और पता नहीं था जो घर में ही शकरकंद जो विंटर में मिलती है उसी से बनाया। ये बास्केट प्लांट है, इसमें भी नई नई बर्ड्स निकल रही हैं, मतलब नई ब्रांचेस निकल रही हैं। इसमें फ्लावरिंग तो ऊपर जाके स्टॉक में होती है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। और ये देखिए ये हैं वो मॉर्निंग ग्लोरी के 4-5 सीड्स मैंने एक एक पॉट में डाल दिए थे, और उसमें से सारी डेवलप हो गए हैं, सारे बढ़ गए हैं। और इनकी ना मुझे ऐसे ही तैयार करना था, इनकी हैंगिंग बास्केट मुझे तैयार करनी थी, और ये लटकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं हुई है, पर जब फ्लावर्स भी खिलेंगे ना और लटके हुए जो बेल में बीच बीच में फ्लावर्स आते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं, मैंने कहीं देखा है, तो इसी के चक्कर में मैंने ये तैयार किया है। और इधर मेरे ये पर्पल हार्ट रखे हुए हैं, और ये भी बहुत ही इजी रफ़ एंड टफ़ प्लांट होता है, गर्मी में छाँव में धूप में कहीं भी बहुत आसानी से चल जाता है। और इधर मेरे डिफन बेकिया रखे हुए हैं, ये सब छोटी पत्ती वाले हैं, एक बड़ी पत्ती वाले भी होते हैं, वो बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, उनकी स्टेम भी मोटी होती है, ये छोटी। और ये देखिए ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, इसीलिए इनका सबका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। और इधर मेरे सारे जितने भी इंडोर प्लांट हैं वो सब रखे हुए हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी की मैं बेल अपनी खिड़की पे ऊपर तक ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, रस्सी बांध दी है मैंने। और इधर देखिए ये साइकस का प्लांट है, और इसकी जो देखिए इसमें नई नई लीव्स आ रही हैं, और जो अभी जो लीव्स हैं ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, इनके जो कॉर्नर हैं बिल्कुल मतलब कांटे जैसे नहीं है, जो पुराने पत्तियां हो जाती हैं बिल्कुल कांटे जैसी हैं, अगर वहाँ के बगल से निकल भी जाए ना तो कपड़ों से चुभ जाती हैं, इतनी लगती हैं।
और एक ये देखिए, ये इसको कार्डबोर्ड प्लांट पाम कहते हैं। इसकी जो पुरानी जो पत्ती है तो नई पत्ती आ रही है और एक बार में इससे 6 या 7 स्टॉक निकलती हैं पत्तियों की। और जो पुरानी पत्तियां होती हैं, जैसे कार्डबोर्ड होता है ना और टाइट टाइट सा, वैसे ही ये इसकी पत्तियां हो जाती हैं। अभी तो ये बहुत सॉफ्ट है और छूने में भी मुड़ जा रही हैं, और पुरानी पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल मुड़ती नहीं है, बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं लकड़ी जैसी। पर ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल तो मैंने इसे इंडोर ही रखा हुआ है, मतलब यहाँ ब्राइट लाइट आती है, सीधी धूप नहीं आती, क्योंकि जब धूप में रखा था मैंने ना तो इसकी येलो हो रही थी लीव्स सारी, तो मैंने यहाँ पे उठा के ग्रीन नेट पे और पौधों के बीच में रख दिया है, तो ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इधर ये देखिए मेरे एरो हेड हैं, और जिसे सिंगोनियम भी कहते हैं, इनकी भी बेलें बहुत आगे निकलती हैं। जैसे मनी प्लांट की बेल निकलती है, वैसे ही सिंगोनियम की भी ये बेल निकलती हैं आगे, तो छोटी एक ये देखिए टूट गई लंबा खींचने के चक्कर में। तो इसको भी अगर से उसका मॉइस्चर का सहारा मिल जाएगा, देखिए ये ज़्यादा नहीं है, 7-8 इंच के गमले में लगा हुआ है, पर इसको 4-5 मैंने कटिंग लगा दी थी जिससे कि वो सारी अच्छे से ग्रोथ पकड़ ली उन्होंने और खूब लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं। अब मुझे स्टिक का सहारा देके इनको ऊपर चढ़ाना है, तो ये ऊपर होंगे, गोल गोल करके लगा देंगे तो अच्छे से देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। इधर मेरे सारे वो देखिए, ये मैंने जो कैलेडियम के बल्ब लगाए थे उनमें स्प्राउटिंग चालू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें छोटी छोटी सी लीव्स निकलनी शुरू हो गई। और ये देखिए ये बड़ी सी लीव, और इसका जो कलर है देखिए बहुत अच्छे से निखर के आया है। गर्मियों में जैसे फ्लावरिंग की कम, फ्लावर्स कम हो जाते हैं, तो ये जो कलरफुल जो लीव्स वाले प्लांट होते हैं ये उनकी कमी को पूरा कर देते हैं। तो अभी तो एक लीव निकली, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, तभी सोचा कि लाओ आज वीडियो बना लेते हैं, और फिर जब सब में निकल आएगा उसके बाद नया बना के रखेंगे। और मोगरा में भी अभी मैंने इनकी जो रिपोर्टिंग, मतलब रिपोर्टिंग नहीं करी थी, अच्छे से इनको खाद दे दिया था, उनमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए नवरंग के फ्लावर्स इस समय जो गर्मियों में काफ़ी अच्छे से खिलते हैं, कई कलर के हैं, ऑरेंज है, येलो है, शेडेड है, दो कलर मिक्स करके ये सारे भी अब फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस तरह ये देखिए बहुत अच्छे हैं, कोई खुशबू नहीं होती है पर देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये हाइब्रिड हिबिस्कस का फ्लावर है, एक दो खिलते ही रहते हैं, और ये कटिंग से लगाया हुआ मेरा प्लांट है, इसमें इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। ये एरिया भी मेरा बहुत सुंदर लगता है, इसके यहाँ पे मतलब तसल्ली मिलती है बहुत, और इनको हरा भरा मतलब मुस्कुराता हुआ देख कर ना बहुत तसल्ली, बहुत सुकून मिलता है। शायद मैं अपनी मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग को, पर यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा, इनके काम करने में मुझे बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती है। और ये देखिए येलो कलर का टिकोमा है जिसे गौरी चौरी भी कहते हैं, उसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। इधर काफ़ी फ्लावर्स के प्लांट हैं और जो परमानेंट हैं, ये साल भर फ्लावरिंग करते ही रहते हैं अच्छे, और बड़े बड़े गमलों में मैंने लगा भी रखा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छे से पकड़ ली इन्होंने। ये देखिए राखी बेल, और इसमें भी लाइन से कलियां बनती हैं, और जब फ्लावर खिलता है ना तो एक लाइन से बिल्कुल इतना सुंदर लगता है ना, जैसे दिवाली की लाइटें होती हैं वैसे ही फ्लावर खिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी इसमें एक ये पीछे देखिए पर्पल कलर का, इसके शायद 3 कलर और आते हैं, रेड आता है, ब्लू आता है, शायद येलो भी शायद आता है। तो ये जो लाइन से जब सारी कलियां खिलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि ना कि जैसे झालर टंगी हुई हो दिवाली वाली, बहुत अच्छे लगते हैं। ये बेल ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर मैंने टांग दिया है, और लटकते हुए फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक ये दूसरा दिखाऊं मैं, ये मेरा चंपा का प्लांट है, इसमें वाइट कलर के मतलब तो पतले पतले से फ्लावर आते हैं, ये मैं कटिंग से मैंने लगाया था 2 साल पहले, मतलब ये तीसरा सीजन है और इसमें भी कलियाँ बन गई हैं। आज सुबह जब मैं पानी दे रही थी तब ये इसे देखा तो अच्छा लगा, मज़ा आ गया कि चलो इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। हिबिस्कस का देखिए साइज़ छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, मौसम का इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये रेड कलर का है, इसमें भी साइज़ इनका छोटा हो गया पर फ्लावरिंग खूब अच्छे से कर रहे हैं। इधर मेरे जेड प्लांट रखे हुए हैं, इनको मुझे अपने वहाँ पे रेलिंग में लगाना है, इसलिए इनको दूसरे गमलों में, छोटे गमलों में शिफ्ट किया है। इधर बोगनविला भी मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मतलब
उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी विंटर में होती है। देखिए बिखरे बिखरे से फ्लावर हैं और बिखरी बिखरी सी पत्तियां हैं, घनी घनी नहीं है जितना विंटर में इनकी ग्रोथ होती है। और इधर देखिए इसको यहाँ साइड में लगा दिए हैं सारे जो बाकी के बोगनविला हैं, इनमें भी फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। और इधर मेरे कनेर के हैं, बहुत सारे प्लांट कनेर के रखे हुए हैं और अभी फ्लावरिंग इन्होंने ख़त्म करी है और नई फिर से कलियां बन रही हैं। कुछ दिन बाद यहाँ भी मतलब फ्लावरिंग हो जाएगी। अडेनिया में भी अच्छे से एक बार अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है और अभी कलियां बन रही हैं। और ये देखिए ये देसी वैरायटी के हैं, जो मैं 5-5 रुपए के जो बंच लेकर आई थी ना, ये वो हैं। और अडेनिया में भी देखिए एक ही प्लांट में एक ये शेड है और दूसरा आपको दिखाऊँ ये शेड है। देखिए एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर खिल रहे हैं और सभी में लगभग मतलब 4-5 गमले ऐसे हैं जो देखिए इसमें इनकी जैसे वो बनी है, फलियां बनी हैं, इसी में इनके बीज होते हैं, सीड पॉट बन रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना अडेनियम की मूछें हों। कल एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जैसे मूछें होती हैं किसी आदमी की, वैसे ही अडेनियम की मूछों की तरह इनके सीड पॉट दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर में है, मैंने किसी में भी हटाया नहीं है, क्योंकि ये एक प्लांट का सुख होता है कि उनको वो बीज बनने लायक हो गए हैं, बीज से फिर नया पौधा तैयार होगा। तो मैं कभी भी सीड बिल्कुल नहीं हटा के फेंकती हूँ, खासतौर पे अडेनियम के। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।